Press the bell icon button on the YouTube app and never miss an update from Moto to Tech. गाइस दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस दैट्स योर फेवरेट मोटो टेक। सो गाइस आज हम राइड पे आ रहे हैं और मैं लखनऊ में हूँ, तो आज हम फैजाबाद रोड पे आ रहे हैं राइड पे और मेरे साथ है हिमांशु भाई जिनका से होंडा सीबीआर 650 आप जैसे देख सकते हैं आगे, वो देखिए बूम बूम रेडी टू रोल। डोंट थिंक आई एम अ स्क्विड बट क्या करें, यहाँ पे ट्रैफिक ही कुछ ऐसा है। तो अभी आप देख सकते हैं रोड काफी अच्छा है, ये शहीद बस मार्ग है और अभी फैजाबाद रोड पे आने का प्लान है। तो दोस्तों अभी है हम अयोध्या रोड के ऊपर और यहाँ से अयोध्या है 115 किलोमीटर, तो हम अयोध्या नहीं आ रहे हैं, हम फैजाबाद रोड जा रहे हैं, लेकिन यही रोड पकड़ना पड़ता है आपको। मतलब ये जो है ये आपको शहीद पद मार्ग आके राइट लेना पड़ता है, तो अयोध्या का रास्ता लेना पड़ता है इसके लिए, फैजाबाद के लिए। अभी आप जैसे देख सकते हैं मेरे सामने हिमांशु भाई है, क्योंकि मुझे यहाँ का रास्ता जाना पता नहीं है, तो हिमांशु भाई लीड कर रहे हैं। एक्सीडेंट होता है एक्चुअल में और आप देख सकते हैं कितना तेज चला रहे हैं ये विदाउट हेलमेट। तो गाइस यहाँ से है अयोध्या 110 किलोमीटर और अयोध्या का यही वाला रास्ता गया है, आप जैसे देख सकते हैं नेशनल हाईवे है, अयोध्या 109 किलोमीटर आप देख सकते हैं। तो गाइस मुझे याद है कि मैं पिछले बार जब आसनसोल जा रहा था, मतलब मैं अपने गांव जा रहा था कोलकाता, तो मैंने यही वाला रास्ता पकड़ा था और मतलब आगे आगे ये रास्ता बिल्कुल ख़राब था, मतलब आपका बिहार के बाद से बिल्कुल रास्ता ख़राब था। तो अब आपको मैं बताना यहाँ चाहता हूँ कि अगर आप कोलकाता जा रहे हो तो NH2 पकड़िएगा या NH कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव पकड़िएगा, क्योंकि अयोध्या वाला रास्ता बिहार के बाद जाके बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, सिंगल रोड हो जाता है। तो सिंगल रोड होने के बाद बिल्कुल ही ख़राब था रास्ता, अब पता नहीं कैसा है, टोल रोड तो है वैसे तो ये। तो आपको आगे मैं बिहार में अगर किसी दिन जाता हूँ तो मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा, सॉलिड वाला खड्डे वड्डे सब है। सो गाइस हैविंग टी विद हिमांशु भैया, ये हिमांशु एंड अ सब्सक्राइबर ऑल्सो फॉर माई चैनल। एंड आप देख सकते हैं दो बाइकें खड़ी हैं, CVR 650 एंड डोमिना 400। आप बताना अगर चैनल में कौन सा दिखाना है इसके बाद। सो गाइस हैविंग चाय, एक चाय ये देखो चाय पी रहे हैं
चाय पी लो फ्रेंड्स। Meanwhile, गाइस अभी देखो कौन मिला है, अभी सरप्राइज है। ये तो हिमांशु भैया है, लेकिन ये देखो कौन है। Oh, yes, brother. राज भैया, ये आ रहे थे दार्जिलिंग से, हमने इनको रास्ते बीच में रोक लिया। बाइक देखो कितना लदा हुआ है सामान, आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे पेट्रोल कैन लगा हुआ है पीछे, मतलब सारा सामान लदा हुआ है, और इनको हमने रोक लिया रास्ते के बीच में। कुछ बोलना चाहेंगे आप रास्ते के बीच में रोक लिया? ऐसा है, मैं नॉन स्टॉप राइडर हूँ, इन्होंने अब क्या बताऊँ, प्यार है रुकना पड़ गया, वरना तो मैं निकल रहा था भाई। फोन काटने वाला था, सॉरी। फोन काटना मत कभी, काम के लिए फोन करूंगा। हिमांशु भैया है, तो ये देखिए थोड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। तो हम लखनऊ की जगह एग्जिट ले रहे हैं, राज भैया को जाना है दिल्ली और मुझे जाना है फिर से वापस घर में जाना है लखनऊ में। ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दार्जिलिंग टू दिल्ली एंड सडनली क्या हुआ मुझे पता नहीं, मेरी आँख उस तरफ गई और वो बाइक से जा रहे थे, तो मैंने उनको बुला लिया चाय पीने के लिए। गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना कीजिए तो सब्सक्राइब, और घंटे का बटन दबा देना जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट सेफ राइट हार्ट, दिस इज मोटो टेक साइनिंग ऑफ एज ऑलवेज, पीस आउट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.